गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आइए तो आज हम लोग द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की एकता, इसी में हम लोग इसका हार्ड वर्ड लिख रहे थे, जिसमें अभी कुछ और हार्ड वर्ड बाकी रह गए थे, जिसे वर्ड मीनिंग के रूप में इसे हम लोगों को समझना होता है। जब इस मीनिंग को हम लोग क्लियर समझ लेते हैं तो इसके स्टोरी को भी पढ़कर समझने में आसान हो जाता है। इस वजह से इसका वर्ड मीनिंग का जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें कुछ और वर्ड मीनिंग रह गए थे, तो चलिए उसको भी हम लोग जानते हैं। रिपीटेड मीन्स होता है दोहराना। इन्फ्यूजन क्या पढ़ेंगे, INFUSION, इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन मीन्स होता है अंदर डालना, ओके, या मिलाना, इसमें अंदर डालना या अंदर मिलाना, इन्फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट है सक्सेसिव का अर्थ होता है अनुगामी, इनरोड्स भी होता है पुष्पैक, रेसेस, RECES, रेसेस भी होता है प्रजातियां, रेसेस मीन्स प्रजातियां। कॉन्क्वेयर, CONQUER, कॉन्क्वेयर मीन्स होता है विजय पाना, ओके। नेक्स्ट है रिमेन, REMAIN, रिमेन मीन्स होता है बचा, CAU, कॉल्ड्रॉन, देगची, कॉल्ड्रॉन, L है CAULDRON, कॉल्ड्रॉन इज देगची, देगची जो बड़ा सा वेसल्स होता है बर्तन, उसी को डेगची जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वही डेगची है। कॉल्ड्रॉन, विक्टोर्स, VICTORS, विक्टोर्स, विक्टोर्स मीन्स होता है विजेता। नेक्स्ट वर्ड है एब्जॉर्ब्ड, ABSORBED, absorbed means होता है मिला लिया या मिला लिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, VAN, QUISHED, vanquished means होता है जीत लिया गया, vanquished जीत लिया गया।
whatever, WATETEVER, whatever means जो भी, whatever means जो भी, weather, WHETHER, weather means होता है चाहे, क्या होगा चाहे, इंस्टीट्यूशन मीन्स होता है संस्थान, संस्थान, कॉस्टम, कॉस्टम मीन्स होता है प्रथा, BLEND, blend, blend means mishran, strength, STRAINS, strength, strength means hota hai shaktiyan, elements, तत्व या अंग, DERIVATION, डेरिवेशन, डेरिवेशन मीन्स होता है प्राप्ति, क्या होता है प्राप्ति, THROUGH, थ्रो आउट, क्या होगा थ्रो आउट मीन्स होता है संपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है अंडरलाइन, LYING, अंडरलाइन, अंडरलाइन मीन्स होता है आंतरिक, आंतरिक यानी अंदर का। तो ये आपके जो है कुछ वर्ड्स रहे इसमें, इसके बाद से इसमें कुछ और वर्ड्स बाकी रह जाते हैं, ठीक है, इसमें कुछ और वर्ड्स हैं जो कि बाकी रह जाते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज तक इतना ही, इसमें आप लोग इसे नोट कर लेंगे और इसका इसे याद भी करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।